तो जब आप फिजिकली, आगे। मेंटली और स्पिरिचुअली ऑन द ट्रैक ऑफ रिकवरी होंगे, तो जब आपसे कोई बात करेगा तो आपका मोटिव उसको खुश करना, उससे खौफ खाना, ऐसे नहीं होंगे। हेल्दी आपका ओवरऑल आपका वे ऑफ डीलिंग ही हेल्दी हो जाएगा। लेकिन ये जो कोडिपेंडेंस है, इसके रास्ते में सबसे बड़ी वजह जो बनती रुकावट है ना, वो ये है कि कोडिपेंडेंट स्टार्ट लाइकिंग दैट काइंड ऑफ रिलेशन। उनको अच्छा लगता है विक्टिम रोल में रहना। उनको अच्छा लगता है कि वो एक कंटिन्यूस, जब तक कि उनको अवेयरनेस नहीं है कि वो एक ऐसी पिटी में रहें कि जिसपे ये चीज़ उनको सेफ करती है, क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप आपसे असर्टिवनेस को डिमांड करता है। वो कहते हैं सच्ची खरी जो बात है वो आपको अपने रिश्तों में कहनी चाहिए, जो किसी के फायदे की बात है उसको महज इस डर से आप ना रोकें कि अगला बंदा जो है वो नाराज हो जाएगा। अगर ट्रू रिलेशन हो तो आपको क्या लगता है कि किसी भी क्लोज रिलेशन में ये खौफ होना चाहिए कि मैं किसी के भले की बात करूं और वो मुझसे नाराज हो जाए? होना नहीं चाहिए ना, लेकिन ज़्यादातर रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं। और एक्चुअली में ये एक सेफ्टी जोन भी होता है। देखिए, अगर मुझे सिर्फ अवॉइडेंस से बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ों से वक्ती तौर पर सुकून मिल रहा है, क्या आप बात करेंगे तो आपको अगले बंदे के टेंट्रम्स को सहना पड़ेगा। वही तो मैं बात कर रही हूँ ना, वही बात कर रही हूँ ना कि जब आप बात करेंगे सही तो आपके अंदर ये खौफ होगा कि अब पता नहीं अगला, अगर मैंने ये कह दिया कि सिगरेट ना पियो तो ये कहीं शराबी ना शुरू कर दें, कहीं ये चरसी ना शुरू कर दें, अगर मैंने ये कह दिया कि फॉलो अप पे जाएं या स्टैंड्स को जो मुकर्रर मुद्दत है उस तक लेके चलना है, तो कहीं ये ना कर दे, कहीं ये वो। और ये इतना इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क कि जब हम फैमिलीज को कहते हैं कि फियर से ऑपरेट मत करें, उसकी कोई रिप्लेसमेंट दें। फियर की रिप्लेसमेंट क्या होनी चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले अब्दुल रहमान साहब ने ये बात की कि अगर फियर थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। एक्चुअली में फियर बनाया ही हमारे फायदे के लिए गया है, ठीक, लेकिन आउट ऑफ प्रोपोर्शन फियर। गौर से समझनी है ये बात कि फियर ना हो तो परफॉर्मेंस बेहतर ना हो, ठीक, लेकिन अगर ये सिर्फ फियर ही हो और अगर ये ओवर एक्टिव हो और अगर ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो, तो फिर फियर आपको एग्जीक्यूशन में नहीं अवॉइडेंस में लेके जाता है। जो खौफ आपको अवॉइडेंस में लेके जाए, आप समझ लें कि वो हेल्दी नहीं है। ये एक आपको क्राइटेरियन बता दूँ कि जिस खौफ से आप अवॉइड करना प्रेफर करते हैं, सो दैट्स नॉट हेल्दी एट ऑल। जैसे रिकवरी का फियर है, सो रिकवरी का फियर आपको कुछ एक्शंस की तरफ लेके जाता है। आप कहते हैं मैं अपनी रिकवरी को लेके जाता हूँ, मुझे अपना ख्याल बहुत रखना है, मुझे अपनी नींद को कंप्रोमाइज़ नहीं करना, मुझे अपने खाने पीने को कंप्रोमाइज़ नहीं करना, मुझे फॉलोअप्स को कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर तो ये फियर इन एक्शंस की तरफ आपको लेकर आता है, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आपको यही फियर है ऑल द टाइम, आपके ब्रेन से ये फियर बार बार उभरता है कि कहीं तुम रिलैप्स ना कर जाओ, कहीं तुम ये खराबी ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, और आप रिकवरी के टास्क भी कर रहे हो, फिर भी वो सर चढ़ के आपके बोल रहा है, तो विच मीन्स कि देर इज़ अ नीड टू उसको एक्नॉलेज करना कि ये कोई ऐसी स्टेट है, ऐसा थॉट है जो कि बार बार मेरे जहन में रिकवरी। और आप कहें कि अच्छा फ़ायदा तो कोई होना नहीं है, तो मैं सोता भी लेट हूँ, उठता भी लेट हूँ, और ये सारी चीज़ें जो है वो दैट्स फाइन। क्योंकि खौफ बिल्कुल ऐसे आप उसने पोजेस कर लिया आपको। तो अगर एग्ज़ाम एंजाइटी है तो एग्ज़ाम में पढ़ाई करेगा ना कोई, लेकिन अगर पढ़ाई ना करे और वो कहे मैंने एग्ज़ाम्स में ही अपीयर नहीं होना, सो दिस इज़ द प्रॉब्लमेटिक थिंग, ठीक। इसी तरह से हर नेगेटिव इमोशन जो है हमारा, उसका कोई पर्पस होता है हम सबकी ज़िंदगी में। सैडनेस का अपना पर्पस है, वो ग्रीफ को रिकवर करता है, वो हमें सदमे से निकालने के लिए बहुत नेसेसरी है, ठीक।
एंगर का अपना है कि हम फाइट बैक सीखते हैं, हम सीखते हैं कि कैसे हमें एग्रेसिव लोगों के साथ खुद एग्रेसिव होकर डील नहीं करना. हमें एनर्जी मिल जाती है ना इससे, ठीक. फाइट बैक सिखाते हैं. शेम का करेक्शन पर्पस है. अगर हम शेम फील नहीं करेंगे हम कभी इम्प्रूव और करेक्ट हो नहीं सकते हैं. और इसको हम सबसे ज़्यादा हाइट करते हैं. सो फियर पे मिस बात कर रही थी. और कोडिपेंडेंट पर्संस में फियर इस वजह से एग्जिस्ट करता है कि उनको कहीं ये बिलीव होता है कि अगले बंदे का मूड मिजाज मेरे कंट्रोल में है. यानी यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज बैठी हुई हैं, आपको कितना ये फील होता होगा. आप शायद कोई कॉन्शियसली इस बात को ना कंसिडर कर पाए, लेकिन आप में से कितने लोगों को ये फील होता था या होता है अभी भी कि ये जो इसने नशे करने हैं, या ये जो इसका मूड ख़राब है, या ये जो इसको गुस्सा आता है, ये कोई मेरे कंट्रोल में है. अगर मैं ठीक ठीक से चीज़ें करती रहूं या करता रहूं, तो फिर ये भी ट्रैक पे रहेगा. और अवॉइडेंस को जब आप अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, तो हालांकि आपने बहुत एक्सपीरियंस किया कि चुप रहने से, अवॉइड करने से, फियर से ऑपरेट करने से रिजल्ट्स नहीं मिलते, ठीक. लेकिन फिर भी यूज्ड टू इतना हो जाते हैं हम कि क्योंकि हमें आता नहीं है करना, हमें पहले ये फिक्र हो रही होती है कि अच्छा अगर मैंने कहा तो ये तो गुस्से का बहुत बुरा है. हालांकि वो गुस्सा आपने मेनी टाइम उनका देखा होता है, लेकिन फिर भी आपको. सो जैसे जैसे आप नई स्किल्स इक्विप्ड अपने आप को करते हैं, आप कहते हैं अच्छा वो गुस्सा करेंगे, मैंने नहीं गुस्सा करना. जब आप लव से ऑपरेट करते हैं, मैंने पूछा था लव मीन्स व्हाट, रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड. लव मीन्स वेल विशर होना किसी का, केयर करना किसी की. सो जब आप लव से ऑपरेट करते हैं तो फिर आपको हिम्मत मिलती है, फिर आप ज़रा कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि आप अगले की वेल विशर हैं. तो जब आप ऐसे बिलीव के साथ आते हैं तो फिर आपके सारे अल्फाज, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है. एक बुक है, आप अगर उसको पढ़ना चाहें, और एक ऑडियो प्रोग्राम भी उसका है चूजिंग हैप्पीनेस के नाम से. सो उसमें उन्होंने एक बात बहुत ही शानदार की. उन्होंने कहा कि चूजिंग हैप्पीनेस इज़ अ फेथ. इन फैक्ट हैप्पीनेस के बारे में उन्होंने बात की कि ये एक आपका फेथ है जो आप हर तरह के सर्कमस्टांसिस में यू कैन कैरी. क्योंकि बिलीव तो हमारा कोई ना कोई है ना, कोई ना कोई बिलीव तो हम डेफिनेटली कैरी कर रहे होते हैं. सो उसमें उन्होंने कहा कि हैप्पीनेस को कैरी करने का एज अ बिलीव और एज अ फेथ और एज अ ईमान, अकीदा, हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप कभी सैड नहीं होंगे, आप कभी गुस्से में नहीं आएंगे, आप कभी एंशियस नहीं होंगे. आप इन सारी स्टेट से गुजरेंगे लेकिन फंसेंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि हैप्पीनेस मीन्स कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी पे बिलीव रखना. यानी अगर कोई ये बिलीव अपने जहन में बना ले, जैसे अगर आप तंग आ गए हैं, ठीक है, आपने हर दफ़ा जो अभी आपने एग्जांपल दी कि हर दफ़ा बहुत अच्छे से अगले के तकलीफ दे स्टेट को संभाला और किसी दिन आपकी भी बस हो गई, तो उस दिन वो जो बिलीव है आपका कि ये भी चला जाएगा स्टेट और चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये आपको उस तकलीफ को कम कर देगा. देखिए ये जो माइंडसेट हम सब कैरी करते हैं, मैं बात कम्युनिकेशन पर कर रही हूँ. कोडिपेंडेंस के हवाले से हमने ये बात की थी कि हमारे कम्युनिकेशन के पीछे जो परसेप्शंस होते हैं हमें उसको रियलिस्टिक बनाना है. उसके बाद हमने ये बात की थी कि कंफर्टेबल रखना बातचीत में, कि बातचीत जारी रहे उसके लिए किन एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है. तो लास्ट टाइम हमने बात की थी एम्पथी का होना और लिसनिंग का होना. अगर आप सुनते हैं किसी को इस नियत के साथ कि हम समझने के लिए सुन रहे हैं, समझने के लिए, और एम्पथी आपको हेल्प करेगी कि आप सुने अगले के शू में पांव रख कर देखकर. तो जब आप सुनेंगे फिक्स के लिए नहीं, मतलब ये आपकी कंट्रोलिंग पैटर्न ना हो कि हम फिक्स करने के लिए अगले बंदे का मसला सुन रहे हैं. समटाइम आपके पास सोल्यूशन नहीं होता. देखिए हम अपने पेशेंट की सारी बात बहुत आराम से सुनते हैं, और समटाइम हमारे पास सोल्यूशन वो नहीं होता जो वो चाह रहे होते हैं. वो कहते हैं 7 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर साढ़ा इलाज पूरा करके सानू भेज दो, बट वी डोंट हैव दिस सोल्यूशन जो उन्होंने डिज़ाइन किया.
सो क्या इसका मतलब है शाहजेब साहब हम नाराजगियां पाल लें आपके साथ, क्या हम मिलना छोड़ दें आपको? आप मुझे जब कहेंगे मैं आपसे बात करूंगी और अपना पोलाइटली आंसर करूंगी कि वी अंडरस्टैंड दैट इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू लिव हेयर, आप अपने घर के कंफर्ट में नहीं हैं। बट इसके जवाब में मेरे पास जो आपके लिए है वो यही है कि देयर आर सम लिमिटेशंस, इंसानों की कुछ हदूद होती हैं और उसको पहचानना चाहिए और उसका एहतराम करना चाहिए। देखिए आप गुस्सा करते हैं, अगर कोई पेशेंट गुस्सा करता है वो शाउट करता है, वो रूड हो जाता है, सो दिस इज द लिमिटेशन ही और शी इज हैविंग एंड वी रिस्पेक्ट दैट। हम ये नहीं कहते कि ये बंदा ही बहुत बुरा है, हमें पता है बैक ऑफ द माइंड कि ये इस वक्त इसलिए ये बिहेव कर रहा है बिकॉज इसके पीछे कोई ना कोई केमिकल है जो इसको पुश दे रहा है। वैसे क्यों कोई ऐसा लोगों को डराने वाला ईमान होगा, क्यों किसी को लोगों को डराना पसंद होगा अगर वो ह्यूमन बीइंग है? तो डेफिनेटली कोई केमिकल पुश है। इसी तरह से जब हम किसी को सुनते हैं ना तो एम्पथी के साथ सुने, खौफ के साथ नहीं, और आप बड़े आसानी से अपनी लिमिटेशन बता सकते हैं। लेकिन वो जो पीछे एक जिम्मेदारी ले लेते हैं ना कोडिपेंडेंट, कि अब मैं अगर इसको सच्ची बात करूं, देखें शाहजेब साहब आपने हमसे जितनी दफा भी दिनों की बात की, क्या हमने कोई आपको और आंसर दिया? सो बाद में ये कह रही हूँ कि अगर मैं ये जिम्मेदारी ले लूँ कि हम मेरे जो पेशेंट हैं उनके साथ मेरा रिपोर्ट ठीक रहे, उनकी मैं गुड बुक्स में रहूँ, तो ये रॉन्ग है। मुझे चूंकि वो बात कहनी है जो शायद आपको पसंद ना आए, ठीक है ना, आपकी बेहतरी के लिए। बट जब आपका माइंडसेट बहुत साउंड हो जाएगा फिर आप रियलाइज करेंगे कि इससे बड़ी हेल्प तो थी नहीं। जैसे भी ईमान साहब को लगता है कि इससे बड़ी हेल्प तो इन्होंने मेरी की नहीं है, ऐसे ही है ना। सो जैसे जैसे जहनी सेहत बेहतर होती है वैसे वैसे हम पहचानना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये पेशेंस जो है, ये जो हमें वी आर ब्लेस्ड कि हमें ट्रेनिंग दी जाती है इसकी, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माई प्रोफेशन कि हमें सबर, लिसनिंग, वो चीज़ें जो नेस एम्पथी, अनकंडीशनल रिगार्ड, नॉन जजमेंटल होना, इसकी ट्रेनिंग मिलती है। सबसे पहला सवाल एज अ साइकोलॉजिस्ट हमसे ये किया जाता है किसी भी इंटरव्यू में, तो वी आर ब्लेस्ड विद दैट। लेकिन ये जो पेशेंस है यही हम फैमिली को कहते हैं कि जैसे अभी आज अगर कोई पेशेंट आपकी बात नहीं मान रहा, इस ईमान को मत छोड़ें कि वो नहीं मानेगा। ये जरूर रखें ज़हन में कि मुझे अपना बेस्ट देना है इससे अपनी बात मनवाने के लिए। विद द पैसेज, आज अगर वो ज़्यादा सिगरेट पी रहा है तो कल कम पी लेगा या छोड़ ही देगा, ठीक है। लेकिन बात ये है कि कितनी ये तकलीफ दे बात है, आप अगर सब हम सब पेशेंट के शू में पांव रख कर देखें, पेशेंट के शू में पांव रख कर देखें, हम सबको नज़र आ रहा है कि वो एक ऐसे काम में है जो कि बहुत ख़तरनाक है। जो पेशेंट अपनी रिकवरी में सिगरेट को साथ लेके चलते हैं, ये ख़तरनाक काम कर रहे हैं। वो इधर से वो धक्का लगा रहे हैं रिकवरी को और उधर से वो धक्का लगा रहे हैं रिलैप्स को। यानी ये ऐसा काम है कि आप एक टाइम पे दो कश्तियों के सवार हो जाएं तो क्या होगा साले, आप रिकवरी की कश्ती पे एक टांग और एक टांग रिलैप्स की कश्ती पर, क्या होगा? क्योंकि इतना आसान छोड़ना होता शाहजेब साहब, तो आज तक हर बंदा कभी बीमार होता ही ना। आप इन दिनों में इस बात को गौर समझा करें कि सिर्फ अगर ये फैसले की बात होती, दुनिया में कोई स्मोकर ना होता। मैं स्मोकिंग की बात कर रही हूँ, मैं हार्डकोर ड्रग्स की बात ही नहीं कर रही। अभी अदनान साहब अगर सिगरेट पी रहे हैं तो क्या इनको नहीं पता ये 100 दिन रह कर गए हैं यहाँ पर? क्या इनको नहीं पता कि इनकी इस एज में कितने हेल्थ इश्यूज की वल्नरेबिलिटी है? फॉरगेट अबाउट द रिकवरी फिलहाल, क्या इनको ये पता है इनकी जीन्स में हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज है? तो अगर इतना आसान हो ना जो हम कहें और वो कर लें, ये हम आपको बनाना चाह रहे हैं कि आप जो कहें फिर वो करें भी।
लेकिन हिस्ट्री आपको क्या कहती है, कितनी दफा आपने अपने आप से एक कमिटमेंट की और फिर इसको पूरा किया, तो शायद कम. ठीक. सो द पॉइंट इज कि छोड़ देना का फैसला करना पहला स्टेप है. अभी आपने फैसला किया है, अभी आप ऐसे एनवायरनमेंट में तो नहीं गए जहां पर सिगरेट लाइट की हुई है सबने, आप ऐसे एनवायरनमेंट में तो नहीं गए जब पैसे आपकी पॉकेट में है और आप एक खोखे के आगे से गुजर रहे हैं. सो आपने अपने आप को हेल्प करनी है कि ये जो मैं एक बात को बार बार सोचकर, जैसे हमारे कुछ पेशेंट्स ये कहते हैं कि जितना बड़ा मुझे जेल दे दी है इतना मेरा कसूर नहीं सी, मतलब जितनी बड़ी मुझे सजा मिल गई है कितना बड़ा कसूर होना चाहिए तो किसी को रिहैबिलिटेशन में आना चाहिए, कितना बड़ा किसी का कसूर हो तो वो रिहैबिलिटेशन में आए. बात ये नहीं है कि आप क्या करते हैं, बात ये है कि नस्वार, सिगरेट, चर्स, अल्कोहल, ज़्यादा खाना, ज़्यादा मीठा आपके साथ क्या कर रहा है. सवाल ये है कि आपको क्या वो फायदे दे रहा है, क्या सिगरेट से आपकी ब्रीदिंग खुल जाती है, बहुत अच्छा डीप ब्रीद मेडिटेट करते हैं आप सिगरेट से, स्टेमिना अच्छा हो जाता है, ऐसा ही होता होगा ना. सिर्फ यही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अल्कोहल नहीं पी रहा. तो इसको हम कहते हैं कि कोई मॉरल लाइसेंसिंग मिल जाना, क्योंकि मैं ये नहीं कर रहा तो मुझे ये तो करने देना, आप इतना तो जुल्म मत ढाएं कि सिगरेट ही बंद कर दो. दुनिया में कोई रिहैब ऐसा नहीं है मिस्टर माइला जहाँ पर सिगरेट छुड़वाते हैं. आप लोगों के नए असूल हैं, यू कैन से एनीथिंग, पर जो फैक्ट है वो फैक्ट है. जो भी मूड को ऑल्टर करने वाला केमिकल होगा, जो भी मूड मिजाज को ऊपर नीचे दाएं बाएं करने वाला केमिकल होगा, जिसको कोई एडिक्शन है उसको वो फायदा नहीं देगा. ये है डिजीज कौन सा. सो ये जो एडिक्शन होती है ना, ये कोई, इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये छोटी है, ये बड़ी है, ये सख्त है, ये नरम है. नहीं, एडिक्शन इज एडिक्शन. अब वो नस्वार की हो, अल्कोहल की हो, हेरोइन की हो, या किसी भी चीज़ की हो, बात ये है कि क्या आपका माइंड आपको ये बताता है कि छोटी सी प्रॉब्लम जो आपकी नज़र में छोटी है, इससे आपका नुकसान क्या हो गया. सवाल तो ये है, क्या आपका माइंड आपको ये बताता है कि ये जो मामूली सी चीज़ है जिसकी आपको बहुत बड़ी सज़ा मिल गई इंडोर्स करवा कर, इसने आपके साथ किया क्या. क्या कोई ये बताना पसंद करेगा कि आपकी मेंटल, फिजिकल, सोशल हेल्थ के साथ इसने किया क्या. सवाल मेरा ये है कि अगर ये माइनर सी चीज़, जिन जिनको माइनर लगती है, उसने आपका नुकसान क्या कर दिया, क्या आपका माइंड ये बताता है आपको. आप में से कोई बताएगा नुकसान क्या हो गया पेशेंट से. आई रियली वॉन्ट, देखें जिसको डिजीज कॉन्सेप्ट समझ आया होगा ना, उसकी ये बहस ही नहीं होगी कि मुझे ये करने दें मुझे वो. जैसे डॉक्टर साहब ने उस दिन बात की थी कि अगर किसी का ईमान चेंज नहीं हुआ तो वो एक मशक्क़त में है. अगर उसका अभी भी डिपेंडेंसी है, वो उसका दिमाग ढूंढता है किसी केमिकल को, तो मसला है अभी भी. ठीक. लेकिन ये बात तो ये है कि आप सिगरेट या शराब लेते क्यों हैं, मूड ठीक करने के लिए. और पहले क्या मूड ठीक हुआ केमिकल से. जो लोग सिगरेट ले रहे हैं, मेरा सवाल उनसे है, क्या पहले सिगरेट शराब से मूड ठीक हुआ. मूड ठीक हुआ, अब दोबारा इसको लेने की क्या वजह है. अब मूड ठीक हो रहा है, नहीं. इसी को एडिक्शन कहते हैं, व्हेन यू फील कंपेल्ड टू डू सेम थिंग. ठीक है ना, और आपको पता भी है. अब इसी को एडिक्शन कहते हैं कि आप एक बात बार बार करते रहे. ठीक है, इसी को एडिक्शन कहते हैं कि एक जो आपको पता है कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, और फिर भी आपका दिमाग, आपका माइंड आपको कोई ना कोई ऐसा बहाना जिसका कोई सर पैर नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, आप उसको अपनी तरफ से लॉजिक बना रहे होते हैं. इसको इमोशनल रीजनिंग भी कहते हैं. खुद से कोई ना कोई जज्बाती रीज़न बता देंगे.
काव्स की जो किसी को क्रेविंग्स होती हैं तो उसके पीछे मूड के प्रॉब्लम्स होते हैं. मुझे ये बताएं कि ये जो मूड का ताल्लुक है ना, ये अच्छा जिसको हम कहते हैं, ये डोपामिन का लेवल अप होने का वजह है ना. तो डोपामिन का लेवल कोई भी चीज़ अप करे, अब मीठा चूंकि डायरेक्ट डोपामिन मीठे से बढ़ता है, कई लोगों के लिए खाना जो होता है ना कंडीशनिंग होती है ना. अब बुक पढ़ने से डोपामिन हर किसी का तो नहीं बढ़ रहा होगा. अच्छा, अब मैं चूंकि ये बात को थोड़ा आपको ऐसे अंदाज से बताऊंगी कि जैसे हमारे जो पेशेंट हैं इनका भी दुख का साथी सुख का साथी, और अगर उनको कोई दे अचीव समथिंग तो उन्होंने सेलिब्रेट इससे ही करना है. सो यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट इट कि अगर ये आपका कोई ऐसा दोनों ही सूरतों में केमिकल चेंज के लिए आपको यू हैव टू टेक समथिंग, और वो उसमें कंपल्शन अगर आप फील कर रहे हैं तो फिर आपको इसको एक दफ़ा देख लेना चाहिए. अब उसमें ये है ना कि ये थॉट आपको इसको एक दफ़ा देखना पड़ेगा कि ये पहले ही एक बंदा अगर हाई फील कर रहा है और उसको और बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है. आपको एड्रेस तो इस थॉट को करना चाहिए ना कि अगर आपको ये सारी एजुकेशन है, ये एजुकेशन है कि पीछे ये जो हाई फील करना और बहुत ज़्यादा हाई फील करना ये भी ठीक नहीं है, और इसको और ज़्यादा करना, तो यू हैव टू डील विद थॉट कि ये मुझे क्यों बार बार, ये अगर मैं अच्छा फील कर रही हूँ तो ये इनफ होना चाहिए मेरे लिए, इत्मीनान इससे हो जाना चाहिए. ठीक, लेकिन ये कंसीडर उसी तरह से होगा कि ज़्यादा जो हाई है और लो है ये दैट्स नॉट नॉर्मल. डिसीजन दोनों में ही हमारे शेकी हो जाते हैं, हमारा इंटेलेक्चुअल ब्रेन दोनों में ही उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाती है. यानी अगर वो ब्रेन के अंदर जो केमिकल है मूड का इसको, और अगर इसके कोई मामलात गड़बड़ हैं, अब वो चाहे नशों की वजह से हों या किसी और वजह से हों, तो उसके साथ मूड मिजाज का मसला होगा. जिसका मूड इन ऑर्डर होगा, जिसकी मर्जी उस पर चलती होगी, जो सुबह उठना चाहे वो उठ जाए उसी टाइम पर, जो अपने नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों को ना कह सके, तो उसको तो हेल्प की, हमारी मदद की ज़रूरत तो उन लोगों को होती है ना जो कहते हैं अब हमने ये नहीं करना, और फिर वो उसको वो कहते हैं अब हमने गुस्सा नहीं करना बट गुस्सा कर लेते हैं, वो कहते हैं अब हमने नशा नहीं करना बट नशा कर लेते हैं, वो कहते हैं अब हमने किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी बट वो फिर कर लेते हैं. सो जब आपकी मर्ज़ी आपके कंट्रोल में नहीं है, उसके पीछे वजह चाहे केमिकल यूज़ है या कोई और केमिकल इम्बैलेंस की रीज़न है, मसला तो है ना. लेकिन अगर आप पहले से ही एक मसले को हल करने के लिए जो टूल इस्तेमाल करते रहे, यानी मूड को डाउन से अप करने के लिए या रिलैक्स करने के लिए जिन तरीकों ने आपको हेल्प नहीं किया, आपका ध्यान बार बार उसी तरफ जाता है कि सिगरेट पीने से या कोई ऐसी छोटी मोटी हेल्प लेने से, और कुछ नहीं तो कोक पीने से, ठीक है, और कुछ नहीं तो चॉकलेट खाने से बार बार. तो बात तो ये है ना कि आपको सीखना असल में रिकवरी में ये है कि आपका मूड असल में मैनेज कैसे हो, और मूड मिजाज को मैनेज करने के तरीके सीखने चाहिए. घर वालों को इंस्ट्रक्शंस ना हो कि आप वो करें जैसा जैसा मैं चाह रहा हूँ. एक मूड मैनेजमेंट एक्सटर्नल भी करते हैं ना कि आप ये बात ना करें इससे मुझे गुस्सा आएगा. देखिए जब स्किल पावर की बात करते हैं ना तो वो यही है कि आप चूंकि यूज टू भी होते हैं, और वैसे भी शुरू से ब्रेन की ट्रेनिंग फौरी मज़े की है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की. यानी जब टीनएजिंग में ब्रेन ऑपरेट करता है तो वो इसी रूल को फॉलो करता है, क्योंकि उसका सही गलत बताने वाला दिमाग अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ. तो वो कहते हैं कि जो अभी ठीक लग रहा है ना जस्ट डू इट. सो इतनी लंबी वॉक करके, ये करके, वो करके, सो इट्स बेटर कि तुम आज चॉकलेट खा लो, कल मत खाना. ठीक, तो ये जो बात आई रियली वॉन्ट टू टेल यू कि वो जो अंदर से एक तसल्ली देने वाला आपका माइंड है जो कि सही तसल्लियाँ नहीं दे रहा आपको,
जो कि झूठ बता रहा है आपको, जो कि एक्सक्यूजेस दे रहा है आपको, सिर्फ आपको नुकसान की तरफ लेके जाएगा। कोई बंदा गुस्सा करता है और उसको जस्टिफाई ऐसे करता है, क्योंकि उसने मुझसे गुस्से से बात की थी तो अब मेरा गुस्सा करना बनता है, तो ये उस बंदे के लिए नुकसानदेह नहीं है जिसके साथ गुस्सा किया, ये आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि आप अपने आप को एक ऐसी टीचिंग दे रहे हैं जिसको के बाद में इसने बढ़ना ही है। फिर आप कोई बंदा प्रोवोक करे या ना करे, आप गुस्से से ही ऑपरेट करेंगे सबसे। सो अगर पहले किसी एक तरीके से आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा, तो आप किस बिलीफ के साथ आप फिर वही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं? नया चेंज तो कुछ नहीं आया अदनान साहब, अभी भी मूड मिजाज के लिए आपको 2 पैक ऑफ सिगरेट कंज्यूम करने पड़ते हैं, और इसके अलावा कोक पीनी पड़ती है, इसके अलावा चाय पीनी पड़ती है, इसके अलावा फिर भी चेहरे पे आपके आज भी तकलीफ सी जाहिर हो रही है। सो आपको इस बारे में बहुत सीरियसली हेल्प लेने की ज़रूरत है, नए तरीकों को सीखने की ज़रूरत है, जो आपको लगता था यहाँ पे कि शायद बाहर जाकर हम ये करूँगा और थिंग्स विल बी फाइन, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। सो आपको इस बारे में ज़रूर फ़िक्रमंद होना है कि हम मैं क्या सीखूं कि मेरा मूड अब सही मैनेज होना शुरू हो जाए, ठीक। और इस ये जो एक अफसुर्दगी और उदासी आपको फील होती है, ये आपको यहाँ पर बताया भी गया था, ये नशा छोड़ने के बाद होती है। आपको सही समझना पड़ेगा कि ये अगर कोई ज़रूरत नहीं है आपकी और जस्ट फॉर हैबिट आप 1 सिगरेट से 2 पैक्स पे चले गए हैं, तो ये सिर्फ आउट ऑफ हैबिट नहीं हो सकता, सिर्फ नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई ना कोई और भी है वजह, और उसको तलाश करें और उसको हेल्प लें उसकी, ठीक। आपको पता भी नहीं चलेगा, आहिस्ता आहिस्ता आपका गुस्सा बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको चिड़चिड़ापन फील होना शुरू हो जाएगा, आपको बेचैनी बहुत ज़्यादा फील होना शुरू हो जाएगी। सो अपनी रूटीन को भी आपने प्रॉपर उसको मेंटेन करना है। लेकिन ये जो बात मैंने की है कि मूड, आपने कहा कि मूड का अफसुर्दगी का कोई इशू नहीं है, तो फिर इस पे और सवाल अपने आप से करें, फिर मैं ये क्यों बग़ैर किसी वजह और ज़रूरत के ये एक बैड हैबिट जिसका मेरी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा नुकसान है और मुझे 2 कश्तियों का सवार बना रहा है कि एक तरफ मैं रिकवरी और एक तरफ मैं रिलैप्स, ठीक। तो इस बारे में हमारा आपको मशवरा ये है कि इस बारे में आप सीखें कि अपने मूड को कैसे हेल्दी वे में मैनेज करते हैं। लेकिन इसके साथ आपको और बहुत सारी नई स्किल सीखने की ज़रूरत है ताकि आपको हेल्प और मिले और आपको ये जो तकलीफ दे टाइम है जिसमें आप पुराने पैटर्न से नए रिजल्ट्स की तवक्को रखे हुए हैं कि अब नए तरीके से आपको सिगरेट हेल्प करेगी, ऐसा नहीं है। इन्होंने आपके अंदर बेचैनियों को, गुस्से को, इसी पैटर्न्स को बढ़ाना है और यही स्ट्रेंथन दोबारा हो रहे हैं। सो आप सबसे भी ये कि ये जो इस बारे में ज़रा क्वेश्चन अपने आप से किया करें कि जिन तरीकों ने पहले फ़ायदा नहीं दिया, अब आप उनको फिर वही उसी पैटर्न से एडवोकेट कर रहे हैं, मतलब उसकी एक हमायत होती है ना कि सिगरेट के साथ या इतनी स्ट्रिक्टनेस क्यों है, तो है इतनी, ये फैक्ट है। अगर सालिक आपको ये लगता है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप है कि सिगरेट जो है उसके बारे में वी आर स्ट्रिक्ट, तो वी आर नॉट एवरीवेयर जहाँ ट्रीटमेंट है। बात ये है कि मसलों का हल जो होता है ना, हमें ऐसा तलाश करना चाहिए कि उससे आगे मसले और बढ़े ना। लेकिन अगर आप मसलों का हल ऐसा निकाल रहे हैं कि उससे 10 मसले और निकलेंगे, तो इसमें फिर आपको अपनी तरकीबें चेंज करने की ज़रूरत है। और ये जो चेज है प्लेयर के पीछे, ये जो चेज है मज़े के पीछे, इसको एक दफ़ा देख लेना चाहिए। जो हमारे पेशेंट हैं वो मज़े की जो इम्प्रेशन है ना, जो पहली दफ़ा कभी उनको ड्रग में मज़ा मिला, उसको चेज कर रहे होते हैं। रीसेंट पास में कोई ड्रग उनको मज़ा नहीं दे रही होती, बट उनकी मेमोरी में वो पहले मज़े जो होते हैं ना, वो इतने बड़े बड़े नज़र उनको आ रहे होते हैं कि वो जो रीसेंट नशे उन्होंने किए और जिसकी वजह से उनको ढेरों नुकसान हुए, उस पर गौर नहीं कोई कर रहा होता।
ब्रेन इतना ब्लफ करता है आपके साथ, इतना ज़्यादा आपको, फिर वो फार्मास्यूटिकल कहे, वो कोई भी इसको हेल्पिंग, जैसे ये जो लीगल होने की बात है, ये भी कोई लॉजिकल ब्रेन से तो नहीं आती है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो कोई अपना दे रहा होता है। सो बात तो समझने की ये है कि आपके साथ वो क्या कर रही है, आपके साथ जो वो केमिकल है, वो ऑर्गेनिक है या नहीं है, वो आपके साथ क्या कर रहा है। तो ये एक इमेज होता है कि अब भी मुझे नशा मज़ा देगा, हालांकि हकीकत इसके बरक्स होती है। अब नशा जो है वो जलालत देता है, अब नशा आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बनाता है, अब नशा ज़हनी अज़ियत आपको देता है। लेकिन इस बात को अगर आप समझें कि आपका माइंड आपकी सुने नहीं रहा, वो इतने फैक्ट्स के बावजूद आपको कहता है कोई गल नहीं खैर है। असल तो समझने की बात ये है ना, जो छोटी सी बात मैं आपसे करना चाह रही हूँ कि वो जो आपके अंदर ही एक तगड़ा जो आपने अपने अगेंस्ट अनकॉन्शियसली उसको ताकत दे दी, उसकी बातें मान मान कर, और वो अपनी बातें अब आपसे मनवाना चाहता है, और आप जब तक खुद को तगड़ा अपने माइंड के थ्रू नहीं करेंगे, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इस बारे में बहस करना ही लॉजिकली स्ट्रेंज लगता है कि कोई सिगरेट को एडवोकेट कर रहा है, यानी इंटेलेक्चुअल ब्रेन तो इस बारे में कभी सोचेगा ही नहीं कि कोई सिगरेट को, जैसे अभी उन्होंने कहा कि सिगरेट जो है वो कुछ परसेंट कैंसर के चांसेस करती है, तो मैंने कहा आप ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी की मौत कैंसर से लिखी हुई है तो बाकी बेचारी सिगरेट का क्या कसूर। सो अपने माइंड को इस बारे में भी एजुकेट करें कि ये जो जिस बारे में आप अपने आप से लड़ते हैं, अपने आप से लड़ना है ना, आप खुद से लड़ते हैं तो अगले बंदे तक पहुंचती है ना बात, आप खुद को मना लेते हैं तो फिर आप अगले बंदे को भी मनाने की, आप खुद कह लेते हैं कि जिससे तो मेरी क्रेविंग्स रुकती हैं, ये तो ऑर्गेनिक है, तो इस झूठ को सच पहले आप मान रहे हैं तो फिर आप अगली फैमिली मेम्बर को भी कह रहे हैं, फिर आप दूसरों के साथ बहस भी कर रहे हैं। लेकिन आपको इस बात को आइडेंटिफाई करना होगा, जानना होगा कि आपका जो सिस्टम है माइंड का, उसकी जो वैल्यूज़ हैं, उसका जो राइट रॉन्ग है, वो कहाँ से आपने चेक करना है, यानी उसका चेक क्या है, क्या सही है और क्या गलत है। ठीक। सो जो चीज़ भी आपको नुकसानात पहुंचा रही है और आप समझ रहे हैं कि वो फौरी मज़ा है, तो कहीं ना कहीं पर आप क्या अपने आप को धोखे में तो नहीं रखे हुए। और डिनाइल कहते ही सेल्फ डिसेप्शन को है, डिनाइल कहते ही खुद फरेबी को और ख़ुद से झूठ बोलने को है, और उस झूठ पे बिलीव करना, सिर्फ झूठ ही नहीं फिर उस पर यकीन भी रखना। जब कोई नशे की बीमारी को समझ लेता है तो उसके लिए ये नहीं होता है कि मैं सिर्फ सिगरेट पीऊँ, मैं ऑर्गेनिक चर्स सिर्फ करता हूँ, या मैंने तो सिर्फ इतना गुनाह किया है कि मैंने नसवार लेता हूँ, बाकी चीज़ें तो मैंने छोड़ दी, पता नहीं मुझे इतनी सख्त सज़ा क्यों दी गई, या मैंने तो सिर्फ एक ही दफ़ा की है और वो भी टेस्ट में आ गई पॉजिटिव, और पता नहीं मुझे क्यों इतनी सख्त सज़ा दी गई है। बात यह है कि आपने अपनी जो रिकवरी है उसको, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। आप समझें शायद फैसला कर लेना काफ़ी है, विल पावर काफ़ी है, विल पावर के साथ स्किल पावर भी, स्किल पावर के साथ फैमिली सपोर्ट भी, फैमिली सपोर्ट के साथ आपको कोई मेंटोर की भी हेल्प की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, फिर माहौल ऐसा हो आपका जो कि आपको हेल्दी रखे, यानी ये माहौल इतना इफ़ेक्टिव है आपकी मेंटल हेल्थ पर, इतना ज़्यादा कि अगर आप टॉक्सिसिटी में रहते हैं और आप जितने भी पॉजिटिव अंदर से अपने आप को फील करते हैं, एट द एंड वो माहौल आप पर असर करता है। लेकिन उसमें ये भी सीखने की ज़रूरत है ना कि जो भी, जैसे सिर्फ नशा छोड़ना ही तो मकसद नहीं था ना, जब आप नशा छोड़ेंगे तो उस एक नशा छोड़ने से कितनी चीज़ों में प्रॉब्लम उभरती है। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला?
सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं, सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।